गाइस तो रिवीजन चालू करते हैं आज के लिए। टू गुड, दिस इज गोइंग टू बी अ जकास डे। गेस ऑफ कोर्स कार्तिक, एवरी डे इज गोइंग टू बी अ जकास डे। 1 आवर अ डे, एवरी डे यू आर ज्वाइनिंग मी एंड दैट इज सो गुड ऑफ यू। मुझे भी बहुत मजा आता है जब एक्चुअली लोग लाइव जुड़ते हैं एंड देन वी कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है ना गाइज। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन गाइज, ज़र अकेडमी सुपर 50 पे मैंने एक फेस टू फेस लाइव क्लास ली थी एंड गाइज ये जो फेस टू फेस मैंने लाइव क्लास ली थी मुंबई में, वहाँ पे वी हैड अप्रॉक्सीमेटली गुड ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एन्जॉयड मीटिंग देम। यू नो इन द कोविड एरा आई वॉज गाइज टेकिंग ऑल दिस ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल, और इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में। अब पहली बार उनसे फेस टू फेस मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। सम ऑफ देम मेड मी फील लाइक गॉड, थैंक यू टू देम गाइज। वी हैड लॉट ऑफ फन द होल डे, लॉट ऑफ फन द होल डे एंड वी एन्जॉयड। एंड गाइज अब ये सुपर 50 के क्लासेस मैंने है ना गाइज यू नो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए है, अन अकेडमी के चैनल पर अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड गाइज आप जाके ये पूरा 9 आवर्स का जो लेक्चर था ना, ये आप पूरा देख सकते हो गाइज। यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग लिखा है 10:30 AM to 6:30, बट बेसिकली इट वॉज 10:30 AM to 8 PM गाइज। तो आपके लिए ये यूट्यूब चैनल पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, टेक द बेनिफिट ऑफ इट। मैं बताऊंगा इसमें मैंने SFM का इक्विटी एनालिसिस, बॉन्ड एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस गाइज, फॉरेक्स गाइज, पोर्टफोलियो एंड बहुत हद तक डेरिवेटिव्स भी कवर किया है। तो गाइज आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड वॉच दिस क्लास। आई लव यू ऑल गाइज, ठीक है। चलो कार्तिक, दिस इज गोइंग टू बी जकास डे। प्रियंका गुड मॉर्निंग, कंचेती आकाश गुड मॉर्निंग, ऋषभ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो इफ यू रेडी कैन यू स्टार्ट टुडेज रिवीजन सेशन। सो गाइस आई विल जस्ट क्लोज ऑफ दिस स्लाइड एंड टुडे वील बी हेडेड फॉर 2 स्टैंडर्ड्स। अब मैंने पहले लिख के रखा है इंडेस 21 एंड देन इंडेस 102। ऑलरेडी वॉचिंग गौरांग, थैंक यू, ग्रेट। सो गाइज गौरांग इट वुड बी वेरी अप्रिशिएटिव इफ तू वहाँ पे भी कमेंट में जकास डाल दे, ठीक है। इट्स लाइक दुनिया मांगे मोर। सो गाइज नाउ टेल मी अबे गुड मॉर्निंग, कौन सा करना है पहले, इंडेक्स 102 करना है या इंडेक्स 21 करना है? इंडेक्स 21 से स्टार्ट कर दू, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम दैट? चलो कर देते हैं इंडेक्स 21 से स्टार्ट। मैं को दोनों ही कराने ही वाला हूँ, आज ही करेंगे, बट इट वॉज जस्ट लाइक रिबिन कटिंग किससे करें। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स 21, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। नाउ गाइज क्या करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे, स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे, फंक्शनल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ब्रीफ अप्रोच अंडर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, यूज ऑफ द प्रेजेंटेशन करेंसी अदर देन द फंक्शनल करेंसी, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, गाइज बहुत कुछ है। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस गाइज। ये स्टैंडर्ड ज़रूरी क्यों है गाइज? ये स्टैंडर्ड ज़रूरी है क्योंकि देखो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज अ प्लेस वेर यू आर लिविंग, वेर वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक अ वन कंट्री गाइज। आजकल ट्रैवल करना बहुत सिंपल हो गया है, आजकल बिजनेस और ट्रेड हैज़ बिकम ग्लोबलाइज, दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ यू नो स्टेइंग इन आइसोलेशन एंड नॉट डीलिंग विद द वर्ल्ड इन फैक्ट। सो गाइज विद ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग मल्टी नेशनल फर्म्स गाइज, गुड्स आर नाउ क्रॉसिंग नेशनल बॉर्डर्स एंड वी आर डीलिंग विद मल्टीपल करेंसीज। सो हाउ टू लुक इन टू दोज मल्टीपल करेंसी का ट्रांजेक्शन इज वॉट इज इंक्लूडेड इन इंडेस 21, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज गाइज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन फॉरन करेंसी एंड टू रिकॉर्ड द फॉरन ऑपरेशंस गाइज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ये चार्ट अगर आपको समझ गया तो इट्स एवरीथिंग सॉर्टेड। हार्दिक गुड मॉर्निंग गाइज, देर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी, वन इज नोन एज फंक्शनल करेंसी गाइज, सेकेंड वन इज नोन एज फॉरन करेंसी एंड थर्ड वन इज नोन एज प्रेजेंटेशन करेंसी। दिस इज अ ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। AS 11 ऑलवेज ये कहता था कि गाइज AS 11 में सिर्फ 2 करेंसीज होती थी, एक होम करेंसी और एक फॉरन करेंसी। नाउ होम करेंसी वॉज अ करेंसी वेर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, सो ऑल कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया विल हैव होम करेंसी दैट इज रुपीज एंड विल हैव फॉरन करेंसी विच इज एनीथिंग अदर देन रुपी। ये था AS 11, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट। बट इंडेस 21 सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, दैट वी डोंट हैव अ होम करेंसी एंड अ फॉरन करेंसी, वी हैव अ फंक्शनल करेंसी एंड अ फॉरन करेंसी एंड अ प्रेजेंटेशन करेंसी। वॉट इज अ फंक्शनल करेंसी?
गाइस, फंक्शनल करेंसी इज अ करेंसी ऑफ आर प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है गाइस, हमारा मेजर परचेज, मेजर सेल्स, बहुत सारे फैक्टर्स है. वी हैव प्राइमरी फैक्टर्स एंड वी हैव गॉट सेकेंडरी फैक्टर्स. एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है दैट हाउ शुड वी सिलेक्ट अ फंक्शनल करेंसी. तो गाइज, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन शॉर्ट गाइज, वी कैन हैव कंपनी इन इंडिया विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन लॉज, बट विच कैन हैव अ फंक्शनल करेंसी विच इज अदर देन रुपी. सो इफ अ कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया अंडर इंडियन लॉज बट इट्स प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट का करेंसी अगर डॉलर है, तो उसके लिए फंक्शनल करेंसी डॉलर हो जाएगा. देन इट विल हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर. सो फंक्शनल करेंसी इज बेसिकली अ करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स. नाउ एनी अदर करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी बिकम्स अ फॉरेन करेंसी. So for example, a firm is operating in India but its functional currency is dollar. So dollar becomes a functional currency and rupee becomes a foreign currency for them. Got that? And guys, third one is a presentation currency. Presentation currency का मतलब उसको जो financial statements present करने हैं. Accounting नहीं, day to day accounting तो functional currency में करनी पड़ेगी आपको. So that's what I'll still repeat on. That if the firm is an Indian firm but its primary economic environment is dollar, then its functional currency will become dollar. Got that? And guys, its foreign currency will become rupee. So उसे day to day transaction किसमें record करने पड़ेंगे? Dollar में. But since it is registered in India, उसका presentation, उसके financial statements, मतलब उसका profit and loss account, उसका balance sheet, उसका cash flow statement, उसका statement for changes in equity and उसका notes to accounts, all should be in rupee because the presentation currency is rupee. तो ये तीन करेंसी में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव गॉट वन थिंग दैट इज नोन एज फंक्शनल करेंसी, देन कम्स फॉरेन करेंसी एंड देन कम्स प्रेजेंटेशन करेंसी. गाइस टेल मी, आर यू क्लियर विद दिस थ्री थिंग्स, द फंक्शनल करेंसी, द फॉरेन करेंसी एंड द प्रेजेंटेशन करेंसी? येस और नो? जकास, टू गुड. गाइस नाउ स्कोप. AS21 applies to whom? Now, I'm not looking at scope, not wasting your time on the scope, guys, actually. Now, what is a functional currency? Guys, it should measure its assets, liability, equity, expense, income, everything in functional currency. All transactions in the currency other than functional currency will be referred as foreign currency transaction. Ind AS requires each entity to determine its functional currency. Guys, functional currency is a currency of primary economic environment. The following are the factors that may be considered by understanding the functional currency. Guys, primary factors and we have got other factors. So, we have got primary factors ke andar sabse pehle. Yahan pe ek chota sa diagram bana dunga next time jab pocketbook banaunga barabar se. The following are the factors that may be considered in determining an appropriate functional currency. The currency that mainly influences the sales price. The currency that does not influence the sale but currency that influences the sale price, guys. That is point number one. The currency of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices. So guys, competition. And third one, the currency which influences labor, material and other costs. So they are primary factors. So guys, यहाँ से थोड़ा छोटा छोटा notes लिखना चालू करते हैं. So guys, सबसे पहले मैं बात करता हूँ point number one की, currency. A firm will have one A and B and C. सबसे पहला currency होगा functional currency. I hope you all understand what is functional currency. A currency of primary economic environment. Guys, next hoga foreign currency. So what is foreign currency? A currency which is other than functional currency. And third one hoga presentation currency. So presentation currency ka matlab hai a currency in which primary economic environment is to be presented. Are we exactly clear with that one? Guys, next one. Second aa jata hai functional currency. How to identify what is our functional currency? So guys, I'll tell you to identify the functional currency, there are factors. And how many factors do we have? Sir, there are two factors. Sir, the first type of the factors are referred to as primary factors and then comes the secondary factors. Ye question examination mein aaya hai ek baar. The first factor is referred to as the primary factor. Ab guys, primary factors, there are three primary factors. One, two, three. Factors that affects the selling price. Guys, second, the factor that affects the competitive environment. Kahan ka competition hume face karna padta hai? And then the factors which affects the cost. Tell me, are you clear with the primary environment?
का फैक्टर्स। चलो आज आपके नोट्स मुझे कम दिख रहे हैं। बनी टू गुड, अबे टू गुड, रोमा फैंटास्टिक, गौरव फैंटास्टिक, हार्दिक फैंटास्टिक। एंड गाइस देन देयर कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ अ फैक्टर एंड दो सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर्स आर रिफर्ड टू एज द सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है, सो व्हाट आर द सेकेंडरी फैक्टर्स? दी अदर फैक्टर्स मे बी प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिंग एविडेंस। गाइज ये जो सेकेंडरी फैक्टर है वह तभी सेकेंडरी फैक्टर पर तभी जाने की जरूरत पड़नी चाहिए जब प्राइमरी फैक्टर से हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू लुक इन टू द प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर बोथ ऑफ देम टुगेदर। यू शुड बी लुकिंग एट द सेकेंडरी फैक्टर ओनली एंड ओनली वेन यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी बाय द प्राइमरी फैक्टर्स। क्लासिक है, टू गुड। सो वॉट आर द सेकेंडरी फैक्टर्स? गाइज सेकेंडरी फैक्टर्स इज A, B, C, D. Here are the other factors. One, the currency in which funds of the financing are issued and the currency in which receipts from operating activity are usually used. So, guys, point number one, point number two. Guys, financing कौन से currency में हो रही है? और guys, receipts from operation कौन से currency में हो रहा है? Receipts in operating are retained. From operations are retained. Tell me, did you understand this primary factor and the secondary factors, guys? Am I absolutely clear with this? फिर से एक बार, functional currency determine करने के primary factors, guys, selling price को क्या affect करता है, competition को क्या affect करता है, cost को क्या affect करता है, secondary factors, guys, point number one, financing कौन से currency में होती है, point number two, receipts from operations कौन से currency में retain किए जाते हैं, receipts from operation कौन से currency में आते नहीं, कौन से currency में retain किए जाते हैं, that will also affect it. ठीक है, that is one thing. अच्छा guys, अगर आपका foreign operation हो तो foreign operations के लिए हमें और चार चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी. तो foreign operations के लिए we'll have point number one, point number two, point number three and guys point number four. Tell me, do you understand this very well guys? Jakas. So guys, foreign operations. First one. Whether the activities of foreign operations are carried out as an extension to the reporting currency. Guys, is the foreign operation just an extension to reporting currency? If the foreign operation is just an extension to reporting currency, तो ये foreign operation का functional currency will be equal to the functional currency of the reporting entity. Are we exactly clear with that one? चलो, great. Guys, next one, point number two. Transactions with the reporting entity, the proportion of transactions with the reporting entity. If high number of transactions are performed with the reporting entity, then again foreign operation ka functional currency will be equal to the foreign, is equal to the functional currency of reporting entity. So guys, this is proportion of transactions with reference to reporting entity. Tell me, got that guys? चलो गाइस नेक्स्ट वन, थर्ड, द इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस ऑन द कैश फ्लो ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, वेदर सच कैश फ्लोज आर रेडीली अवेलेबल फॉर रेमिटेंस। गाइस पॉइंट नंबर थ्री, आर कैश फ्लोज अवेलेबल फॉर रेमिटेंस और नॉट? सो गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री पे मैं लिखता हूँ कि रेमिटेंस, इज रेमिटेंस ईजी और इज रेमिटेंस नॉट ईजी? नेक्स्ट वन, वेदर कैश फ्लो फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर सफिशियंट टू सर्विस द एग्जिस्टिंग डेट? सो गाइस डेट के बारे में, आर वी एबल टू सर्विस आर ओन डेट? सर्विस आर ओन डेट? गाइस इफ यू आर इन अ पोजिशन टू सर्विस आर ओन डेट, देन वी से द फॉरेन ऑपरेशंस का फंक्शनल करेंसी कैन बी डिफरेंट इफ यू आर एबल टू सर्विस आर ओन डेट। बट अगर हमें वहां पे डिपेंड करना पड़ता है गाइस रिपोर्टिंग एंटिटी पे, तो रिपोर्टिंग एंटिटी का ही फंक्शनल करेंसी हम अप्लाई करेंगे। आर यू क्लियर विद दैट? सो गाइज इन शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये स्टैंडर्ड से अभी तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया और यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया। सो एज पर इंडेक्स 21 देर आर थ्री करेंसीज, फर्स्ट वन इज नोन एज फंक्शनल करेंसी, सेकेंड वन इज नोन एज फॉरन करेंसी एंड थर्ड वन इज नोन एज रिपोर्टिंग करेंसी। हाउ शुड वी आइडेंटिफाई फंक्शनल करेंसी? गाइज देर इज प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी देर आर थ्री फैक्टर्स, वट आर अफेक्टिंग द सेलिंग प्राइजेस, वट इज अफेक्टिंग द कॉम्पिटिशन, वट इज अफेक्टिंग द कॉस्ट। सेकेंड, हमारे फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लीट होते हैं, एंड गाइस क्या हम रिसीट्स इन ऑपरेशन कौन से करेंसी में रिटेन करते हैं? अगर फॉरेन ऑपरेशंस की बात आ जाती है तो चार चीज़ सोचनी है गाइस। फर्स्ट वन, आर वी एन एक्सटेंशन टू द रिपोर्टिंग करेंसी? पॉइंट नंबर टू, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रिपोर्टिंग एंटिटी? पॉइंट नंबर थ्री,
Remittance, is it simple to remit the cash that we are generating to the reporting entity? And fourth one, guys, are our cash flows sufficient enough to service our own debt? If yes, then my reporting currency can be different. So I guess I'm very clear with the word how to identify the functional currency. Now, guys, once you have identified the functional currency, then you are required to record all the foreign currency transactions in functional currency. So all the foreign currency transaction को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फंक्शनल करेंसी में. गॉट दिस गाइस? सो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा. गाइस, फर्म इंडिया में है बट उसका फंक्शनल करेंसी फॉर एग्जाम्पल डॉलर है. सो बिकॉज डॉलर इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट फॉर द फर्म विच इज ऑपरेटिंग इंडिया, बिकॉज एक्चुअली गाइस वो खाली ऑपरेशंस इंडिया में करता है बट रॉ मटेरियल और सब कुछ फॉरेन से आता है, सेल भी सब फॉरेन में होता है. सो दिस आर द थिंग्स दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. सो उसका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तो अब उसके लिए फॉरेन करेंसी हो गया रुपी, तो उसे सारे ट्रांजैक्शन जो रुपी में हो रहे हैं इंडिया में वो भी कौन फॉरेन करेंसी मतलब फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उसे, विच इज डॉलर. तो अब ये रिकॉर्डिंग में जाएगा. सो गाइज आगे बढ़ते हैं. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर वन. पहले तो फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करना है. सो आई एम जस्ट रबिंग आउट दिस पॉइंट नंबर थ्री. अभी तक रिकॉर्डिंग पे नहीं जा रहे. फंक्शनल करेंसी के लिए क्वेश्चन बनाया है मैंने. फंक्शनल करेंसी के लिए क्वेश्चन नंबर वन, कैन वी स्टार्ट? Future Limited sells revitalizing drink that is sold throughout the world. Sales of energy drink comprises 90% of revenue of Future. For convenience and consistency in pricing, sales of the energy drink are denominated in terms of dollar. All financing activity of Future are in its local currency, L dollar. Although company holds some USD cash reserves, almost all the cost incurred by Future are denominated by L dollar. What is the functional currency of Future Limited? Guys, Future Limited एक energy drink बेचता है और dollar पूरे world में बेचता है. बहुत clearly ये खाली convenience और consistency in pricing के वजह से हमारा energy drink का जो rate है वो dollar में denominate किया है, but dollar selling price को hurt नहीं कर रहा है, affect नहीं कर रहा है. क्योंकि गाइस आगे जाके उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि कन्वीनियंस के लिए खाली हम उसे डॉलर में टर्म कर रहे हैं, बट अदरवाइज नथिंग एल्स. ठीक है ना? अब फाइनेंसिंग कहाँ पे आ रहा है? एल डॉलर में आ रहा है. हम थोड़े डॉलर के कैश रिजर्व्स ले लेते हैं. कॉस्ट भी किस पे आ रहा है? एल डॉलर पे आ रहा है. गाइस फाइनेंसिंग अगर एल डॉलर पे आ रहा है, कॉस्ट अगर एल डॉलर पे इंक्लूडेड है, और सेलिंग प्राइस भी डॉलर से अफेक्ट नहीं होता है, सेलिंग प्राइस सिर्फ डॉलर में डिनोमिनेटेड है, मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस हर एक लोकल करेंसी के अफेक्ट से होता होगा. तो गाइस हमारा फंक्शनल करेंसी डॉलर नहीं है. माई फंक्शनल करेंसी इज एल डॉलर. सो दिस इज माई फंक्शनल करेंसी विच इज एल डॉलर. गाइज अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो यू कैन नॉट राइट एन आंसर जस्ट सेइंग दैट माई फंक्शनल करेंसी इज एल डॉलर. आपको क्वेश्चन में पहले फंक्शनल करेंसी को डिफाइन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल करेंसी, एंड देन यू कैन राइट फंक्शनल करेंसी इज एल डॉलर. टेल मी, आर वी क्लियर विद दैट वन? अभय इज गेटिंग आंसर करेक्ट. बनी, टू गुड. रोमा, टू गुड. दैट्स माई क्वेश्चन नंबर वन. द फंक्शनल करेंसी ऑफ फ्यूचर इज एल डॉलर. नाउ गाइज वी लुक इन टू द ट्रांजेक्शन दैट इज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, बट उसके लिए मैं अभी पॉइंट नंबर थ्री पे जाऊंगा. सो गाइज हमें सारे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करना है? फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करना है. जकास है? अब गाइज इनिशियल रिकॉर्डिंग किस पे होगी, आप मेरे को बताओ. गाइज इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी गाइज एट कॉस्ट. अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग किस पे होगी, तो सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग होगी एट कॉस्ट नहीं. यहाँ पे मेरे को अभी भी इंडेस 16 याद आ जाता है. गाइस एट स्पॉट रेट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. डू यू अग्री विद दैट वन? गाइस सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करना पड़ेगा और हम ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करेंगे बिटवीन द आइटम ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. गाइस मॉनिटरी आइटम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सर मॉनिटरी आइटम्स को एट क्लोजिंग रेट अप्लाई करके रिकॉर्ड करेंगे. और गाइस नॉन मॉनिटरी आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो नॉन मॉनिटरी आइटम्स को गाइस फिर से एक बार क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इज इट कैरीड ओवर एट कॉस्ट या फिर हमें उसे एट रिवाइज्ड वैल्यू ले रहे हैं. गाइस अगर उसे कॉस्ट पे रख रहे हैं तो ये आ जाना चाहिए गाइस हिस्टोरिकल रेट पे, इसका रीवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है. बट गाइस अगर इसे रिवाइज्ड वैल्यू पे रख रहे हैं देन इट शुड बी एट क्लोजिंग रेट. टेल मी, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? जकास,
फिर से एक बार, इनिशियल रिकॉर्डिंग कौन से रेट पे होनी चाहिए सर? इनिशियल रिकॉर्डिंग स्पॉट रेट पे होनी चाहिए। और सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग किस पे होनी चाहिए सर? उसे स्प्लिट करेंगे मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी आइटम को किस पे रखेंगे? एट क्लोजिंग रेट। और नॉन मॉनिटरी आइटम को किस पे रखेंगे? एट कॉस्ट एंड एट रिवाइज वैल्यू। एट कॉस्ट रख रहे तो हिस्टोरिकल रेट पे आएगा और एट रिवाइज वैल्यू तो एट क्लोजिंग रेट पे आ जाएगा। डू यू अग्री विद दैट? टू गुड, लवली, फैंटास्टिक। दिस इज माई पॉइंट नंबर थ्री। गाइज, वॉट इज मॉनिटरी एंड वॉट इज नॉन मॉनिटरी आइटम? इन सिंपल लैंग्वेज, मॉनिटरी आइटम मतलब ऑल दोज अमाउंट्स विच आर रिसीवेबल और पेएबल इन फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सो गाइज, अगर कोई भी अमाउंट रिसीवेबल हो या पेएबल हो इन फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको मॉनिटरी कहेंगे। नॉन मॉनिटरी आइटम इज एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल और पेएबल बट नॉट इन फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल, पीपी इज नॉन मॉनिटरी, इन्वेंट्री इज नॉन मॉनिटरी, डेटर्स आर मॉनिटरी, क्रेडिटर्स आर मॉनिटरी, बिल्स रिसीवेबल आर मॉनिटरी, बिल्स पेएबल आर मॉनिटरी, लोन्स आर मॉनिटरी, शेयर कैपिटल इज नॉन मॉनिटरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज नॉन मॉनिटरी बट इन्वेस्टमेंट इन डेट इज मॉनिटरी, डिबेंचर्स आर मॉनिटरी। आई होप यू आर कैचिंग मी अप वेरी वेल। गाइज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनिटरी आइटम हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम्स हो गया, एंड देन ब्रीफ अप्रोच अंडर द स्टैंडर्ड। गाइज, वट इज ब्रीफ अप्रोच अंडर द स्टैंडर्ड? विल हैव टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी के बाद फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन्स का इनिशियल मेजरमेंट स्पॉट रेट पे होना चाहिए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए मॉनिटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे लेके जाओ। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहने दो। नॉन मॉनिटरी आइटम्स एट फेयर वैल्यू को क्लोजिंग रेट पे लेके जाओ। गाइज, एकदम सिंपल। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स, इनिशियल रिकॉर्डिंग, स्पॉट, सब्सिक्वेंट, मॉनिटरी को क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनिटरी को हिस्टोरिकल रेट पे, बट नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड ओवर एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट बीन मेजर्ड। So this is monetary items done, this is non-monetary items done. Change in functional currency. Can we change the functional currency? Yes sir, we can change the functional currency, but only and only if, guys, the base dynamics of the business changes. ऐसे मन करे तो चलो आज मज़ा नहीं आ रहा है सर, अब तक डॉलर में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अब चलो रुपये में रिकॉर्डिंग करें, ऐसे नहीं। So once the entity has determined its functional currency, it does not change unless the relevant underlying transaction events and conditions changes. Are we exactly clear with that one? Use of presentation currency different than the functional currency, guys. अगर आपका presentation currency functional currency से अलग हो तो फिर से items को convert करना पड़ेगा, सारे ही items को आपको convert करना पड़ेगा. Guys, इसमें अगर आपको याद हो तो hyperinflationary economy या non-hyperinflationary economy आएगा. Guys, 99% you will always work on non-hyperinflationary economy. So assets and liability को आप कौन से rate पे लेके आएंगे? Closing rate. Income and expenses को आप कौन से rate पे लेके आएंगे? Average rate. गाइज, अगर कोई डिफरेंस आएगा देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डू यू अग्री विद दैट? टू गुड, पक्का, लवली। गाइज, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये सब पे मैं अपना टाइम पास नहीं करूंगा एंड वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन अटैच टू इट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है मैंने, बट कैन वी पिकअप अ क्वेश्चन फ्रॉम द कंपाइलर, अगर देखे एग्जामिनेशन में इंडेक्स 21 पे कोई क्वेश्चन आए कि नहीं। सो लेट्स चेक दैट आउट। आई एम गोइंग टू डेस्कटॉप, I'm going to Rahul, I'm going to CA final, I'm going to FR, and guys, ना यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। So guys, I'll go to G drive FR, CA final and FR, and I'm getting a compiler, that is version 3. Version 4 मैंने update अभी तक नहीं किया है। Let's check whether we have Ind AS 21 का question. Ind AS 21, page number 116 to 124. 116 to 124. Got this? Chalo. 116 to 124. Are you ready, guys? Picking up few questions from compiler. Huh? Few questions from compiler. Let's see whether you guys can catch this up very well. Chaliye. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। आई यू ऑल रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन? थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ताकि आप बरोबर से पकड़ पाओ। आई एम पिकिंग अप मे 2018 का आरटीपी। आई विल क्लोज दिस फाइल एंड गाइज, आई विल क्लोज दिस फाइल ऑल्सो एंड आई एम पिकिंग अप गाइज क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम मे 2018 का आरटीपी। कैन आई स्टार्ट दिस? चलो, अब है ना, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारा कंपाइलर हमारे पॉकेटबुक को अपडेट करने का थोड़ा टाइम आ चुका है। ऑन 30 जनवरी 2011 ए परचेज द मशीनरी फॉर $5,000 फ्रॉम यूएस सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस। ए का फंक्शनल करेंसी इज रुपी। द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज $1 एट 60।
The fair value of the machinery determined on 31st March 2011 is $5,500. The exchange rate on 31st March 2011 is $1.65. The payment to the overseas supplier done on 31st March 2012 and the exchange rate on 31st March 2012 is $1.67. The fair value of the machinery remains unchanged during the end of 31st March 2012. Prepare the journal entries for the year ended 31st March 2011 and for year 12 according to IND AS 21. Chalo guys, ek bar question read kar lo. I want you to just read this question once, guys. And tell me when you're done reading the question. Roma, Gaurang, Bunny, Abhay. Chalo. Nisha kyun nahi dikh rahi mujhe aaj fir se? Can I start? Now what would I do here, guys, is normally I would prepare a timeline. So ye questions complete karne ke liye, my idea to you is always prepare a nice timeline. Theek hai? Ek chota sa timeline bana doge तो अपने आप से सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे. अब 30 जैन पे गाइस मैंने असेट खरीदा है. सो दिस इज 31 जैन और 30 जैन. दिस इज 30 जैन 2011 गाइस. जब मैंने खरीदा तो मैंने इसे $5,000 पे खरीदा एंड द एक्सचेंज रेट दैट वाज रुपी पर डॉलर वाज इक्वल टू 60. नेक्स्ट वन, 31 मार्च को फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया गया. तो दिस इज 31st ऑफ मार्च 2012. गाइस फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया है $5,500 एंड गाइस द एक्सचेंज रेट वॉज 65. एक्सचेंज रेट वॉज रुपी पर डॉलर 65. फंक्शनल करेंसी द एक्सचेंज रेट इज सो एंड सो. द पेमेंट टू द ओवरसी सप्लायर वॉज डन ऑन 31st मार्च 2012. 31st मार्च 2011 है ये और इसके एक साल के बाद पेमेंट हुआ है ओवरसीज सप्लायर को 31st मार्च 2012. यहाँ पे पेमेंट हुआ है, इसका फेयर वैल्यू आपने नहीं बदला. सो गाइस द फेयर वैल्यू स्टिल रिमेन्स 5,500 बट नाउ द रुपी पर डॉलर इज एस्टिमेटेड एट 67. दे आर आस्किंग यू टू पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन. आर यू रेडी टू पास द जर्नल एंट्री गाइस? डन. ऋषभ फैंटास्टिक. प्रियंका टू गुड. गाइस फर्स्ट वन इज 30th ऑफ जैन 2011 को हम लोग अकाउंटिंग करना चालू करते हैं. सबसे पहले मशीनरी परचेज किया है तो आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, आपने पेमेंट नहीं की है. गाइस फंक्शनल करेंसी अपना रुपी है सो इट विल बी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड दी अमाउंट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 3 लाख. अच्छा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी गाइस. मशीनरी इज इट अ मॉनिटरी आइटम और अ नॉन मॉनिटरी आइटम? आई विल से इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम एंड वेंडर गाइस आई विल से इट्स अ मॉनिटरी आइटम. डू यू अग्री विद दैट वन गाइस? नॉन मॉनिटरी आइटम को आप रिवाइज्ड वैल्यू पे रख रहे हो, तो अगर आप नॉन मॉनिटरी आइटम को रिवाइज वैल्यू पे रख रहे हो तो आप इसका रिवैल्यूएशन करेंगे एंड रिवैल्यूएशन विल हैपन एट क्लोजिंग रेट. एंड मॉनिटरी आइटम का तो गाइस आपको क्लोजिंग रेट पे ही रखना है. तो गाइस हम लोग और आगे जाएंगे एंड वील नाउ टेक अ डेट दैट इज 31st ऑफ मार्च 2011. पहले मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीनरी का अपवर्ड रिवैल्यूएशन आ रहा है. तो गाइज आपका जर्नल एंट्री आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट और ये जो अकाउंट है ना गाइज ये चला जाना चाहिए OCI में. एंड आपका रिवैल्यूएशन करके अगर मैं वैल्यू बोल रहा हूँ तो इट इज 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 65. दैट कम्स टू 3,57,500. आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 65 गाइस माइनस 3 लाख. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 57,500. 57,500. टेल मी आर यू गेटिंग दिस आइटम? वेरी वेल गाइस. गाइस इसके आगे कम्स 31st ऑफ मार्च 2011. अभी भी हम बात कर रहे हैं गाइस किसकी? वेंडर की. वेंडर को पेमेंट करना होगा बट $5,500 का पेमेंट नहीं करना होगा. मॉनिटरी आइटम है, $5,000 का ही पेमेंट करना है बट 65 के रेट से करना है. सो 5,000 × 65 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3,25,000. सो गाइस यहाँ पे आएगा अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट गाइस टू व्हाट? टू वेंडर. और गाइस यहाँ का अपना कैलकुलेशन होगा 3,25,000 माइनस 3 लाख. एंड गाइज आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 25,000 से वेंडर अकाउंट इंक्रीजेस. टेल मी डू यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल?
क्लासिक, ग्रेट गाइस, ये हो गया 31 मार्च 2011 की कहानी। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं 31 मार्च 2012, सो मैं यहीं पे पास कर रहा हूँ 31 मार्च 2012। गाइस नाउ मशीनरी इज अगेन एट 5500, बट दिस इज रिवाइज वैल्यू, सो रिवाइज वैल्यू को क्लोजिंग रेट पे लाना ही पड़ेगा, आप 67 के रेट पे लाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार जर्नल एंट्री आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एफ सी एफ फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सो गाइस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में वापस आप कैलकुलेशन होगा 5500 मल्टीप्लाइड बाई 67 माइनस 357,500। गाइस 11,000 का मशीनरी का वैल्यू आपको बढ़ाना है। साइमल्टेनियसली गाइस वेंडर अकाउंट भी आपको इंक्रीज करना है 67 पे। सो गाइस इट विल बी 5000 मल्टीप्लाइड बाई 67, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 67 गाइस माइनस 3 लाख माइनस 25,000, आई एम गेटिंग 10,000 का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो वील हैव फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड दैट इज इंक्रीजिंग बाई 10,000, दैट इज इंक्रीजिंग बाई 10,000। और वेंडर का अकाउंट आप 31 मार्च 2012 को आप सेटल कर देंगे तो आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए गाइज यहाँ पे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कितना पेमेंट कर रहे हो आप, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 67 इज 335,000। गाइज दिस इज एन आर टी पी क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैन कम इन टू एग्जामिनेशन वेरी वेल फॉर 8 मार्क्स। चलो एक बार जकास बोल दो यार, खाली वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू आर इन योर रिविजन, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू गाइज इज नवम्बर 18 का आर टी पी, आर यू रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू एज वेल? एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग गाइज, क्वेश्चन नंबर टू नवंबर 18 का आरटीपी। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर टू में वी आर गोइंग टू नवंबर 2018 का आरटीपी। फर्स्ट वन गाइस, ऑन 1 जनवरी 2018 पी लिमिटेड परचेज मशीन फॉर $2 लाख, द फंक्शनल करेंसी ऑफ पी इज रुपी, एट द डेट द एक्सचेंज रेट इज $1.68, पी इज नॉट रिक्वायर टू पे फॉर दिस ट्रांजेक्शन अंटिल 30 जून 2018, रुपीज स्ट्रेंथन अगेंस्ट डॉलर इन 3 मंथ्स फॉलोइंग द परचेज दैट इज ऑन 31 मार्च एंड द एक्सचेंज रेट वॉज नाउ एट $1.65। सी एफ ओ फी पी फील्स दैट दिस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वुडंट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज पी लिमिटेड एज असेट एंड लाइबिलिटी डिनोमिनेटेड इन रुपी विच वॉज इनिशियली द सेम अमाउंट। ही ऑल्सो फील्स दैट पी लिमिटेड डेप्रिशिएट्स हिज मशीन ओवर 4 ईयर्स, सो फ्यूचर ईयर एंड अमाउंट वुड बी द सेम। Examine the impact of this transaction on financial statement for the year ended 31st March 2018 as per Ind AS 21. Guys, आप एक asset खरीद रहे हो 1st of Jan 2018 पे खरीद रहे हो। What are you buying? You are buying a machine for 2 lakh. So guys, it is machinery account debit to vendor. Payment करना नहीं है फिलहाल आपको। You are buying $2 lakh at the rate of 68. So 2 lakh into 68, guys, I'm getting 136 lakhs. 136 lakhs. बट नाउ यू नीड टू रिमेंबर गाइज, ही से इसकी फाइनेंशियल में इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ये दोनों रुपी में रिकॉर्ड किया है। अरे भाई आएगा, क्योंकि मशीनरी नॉन मॉनिटरी अकाउंट है और नॉन मॉनिटरी में यहाँ पे रिवाइज वैल्यू नहीं लिखा गया, तो उसे आप कॉस्ट पे ही मेंटेन करेंगे। तो अब मशीनरी को आपको रिवैल्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। सो गाइज 31st of March 2018 पे हम सिर्फ डेप्री चार्ज करेंगे एंड एंट्री विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। और डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे, तो 136 लाख गाइस इनटू 0.3, मतलब 3 मंथ्स का डेप्री चार्ज करना है। सो आई विल से इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, 4 साल पे डेप्रिशिएट चार्ज करना है, इनटू 3/12 बिकॉज सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्री चार्ज करना है। सो 136 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 3/12, माई डेप्रिशिएशन अमाउंट इज़ ओनली 8.5 लाख्स। 8.5 लाख्स, मशीनरी को रीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बट 31st मार्च 2018 को वेंडर अकाउंट, वेंडर इज अ मॉनिटरी अकाउंट एंड मॉनिटरी अकाउंट शुड बी ऑलवेज मेजर्ड एट द क्लोजिंग रेट, सो उसे क्लोजिंग रेट पे लेके जाना पड़ेगा। और क्लोजिंग रेट आपका 65 हो गया है भाई, सो अगर मैं $2 को मल्टीप्लाइड बाई 65 करता हूँ तो मेरा वेंडर अकाउंट का पेमेंट अब सिर्फ 130 होता है। गाइस मेरे को गेन हो गया एक्चुअली, सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू एफ सी एफ गेन, दैट इज फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का गेन, एंड आई विल रिकॉर्ड अ गेन ऑफ 160 and that is nothing but guys 2 into 65 minus 136. tell me guys, are you catching this up very well? Akash, Abhay, Roma, Rishabh, Priyanka, Hardik, Gaurang, too good, chakas hai.
दैट वॉज माई क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज नवम्बर 2018 का RTP. गाइज अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, थ्योरी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो एग्जामिनेशन में आए, बाकी सब मैं आप पे रखूंगा, कंपाइलर आपको सॉल्व करनी है. गाइज व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी ऑफ एंटिटी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच हैज कम इन एग्जाम नवंबर 19, एंड व्हाट आर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फैक्टर्स टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी. गाइज व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी इज अ करेंसी ऑफ प्राइमरी रिपोर्टिंग एनवायरमेंट. And guys, what are the factors affecting the functional currency? There is a primary factor and then there is a secondary factor. So primary factors are guys three. Selling price को कौन affect करता है, competition कैसे affect होता है, cost कैसे affect होता है, and secondary factors में दो. Guys, financing कौन से currency में होती है और हमारा जो revenue from operations होता है वो कौन से currency में हम retain करते हैं. Tell me, जुकास है. Too good. So guys, this is it for Ind AS 21. I love you.